गुड फ्रेंड्स, आज हम हमारे फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में इस जीन प्यारे के संज्ञान विकास सिद्धांत को कंटिन्यू करते हुए जानेंगे इनकी जो अगली अवस्था है उपअवस्था जाती है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था क्या है इसको हम समझ लेते हैं। ये अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है। जिन प्यादे की जो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। और इसके अंतर्गत यह अवस्था मानसिक मानसिक विकास की उदरगामी की अवस्था है। यह अवस्था मानसिक विकास की उदरगामी की अवस्था है, यानी कि समस्या का समाधान करने के लिए मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। इसलिए कहा जाता है यह अवस्था मानसिक विकास की उदरगामी अवस्था है कि बालक अब समस्याओं का समाधान करना सीख जाता है। इसके लिए उसकी जो मानसिक क्षमता है, मेंटल कैपेसिटी है, उसका डेवलपमेंट होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इसको मानसिक विकास की उदरगामी की अवस्था भी कहा जाता है। वह परिकल्पना परिकल्पना बना सकता है तथा उनकी सत्यता स्थापित कर सकता है। इस अवस्था में हम देखते हैं कि बालकों के अंतर्गत एक तरह से परिकल्पना बनाने की कैपेसिटी का डेवलपमेंट हो जाता है और उनकी सत्यता को स्थापित करने की बालक में कैपेसिटी हो जाती है। कुल मिलाकर बालकों की मानसिक क्षमताओं का विकास, मेंटल जो कैपेबिलिटी है, वो इस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है, जो कि 11 से 15 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। अब हम औपचारिक जो क्रियात्मक अवस्था है इसकी क्या क्या विशेषता है, उन विशेषताओं को समझ लेते हैं। विशेषता है सबसे पहले इस अवस्था में किशोर अपने चिंतन पर भी चिंतन कर सकता है। इस अवस्था में एक बात यह देखने को मिलती है कि इस अवस्था में जो किशोर होते हैं, किशोरी होते हैं, वो अपने चिंतन पर भी चिंतन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि उनकी चिंतन क्षमता कैसी है और सही है, किस तरह से क्या उनको करना चाहिए, इस तरह से उनके अंदर डेवलपमेंट हो जाता है। सेकेंड, बालक में तार्किक क्षमताएं विकसित हो जाती है।
तार्किक क्षमता, किसी भी चीज को तर्क वितर्क करने की क्षमता, तार्किक क्षमताओं का विकास होता है कि वो तर्क के माध्यम से अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं, अपनी समझ को जान सकते हैं। इसी तरह से हम कह सकें कि बालकों के अंदर तार्किक क्षमताओं का विकास होना शुरू हो जाता है इस अवस्था के अंतर्गत। अगला आता है समस्याओं के समाधान में, समस्याओं के समाधान में वह प्रत्यक्ष एवं वर्तमान वास्तविकताओं पर निर्भर नहीं रहता। बालक के अंदर एक विशेषता ये आ जाती है कि बालक जो समस्याओं के समाधान होते हैं उसके समाधान के संदर्भ में प्रत्यक्ष और जो वर्तमान वास्तविकता जो होता है उस पर विश्वास, उस पर डिपेंड नहीं रहता, उस पर निर्भर नहीं रहता है इसके इस अंतर्गत इसमें औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है उसकी प्रयोग में एक व्यवस्था तथा क्रम उपस्थित हो जाता है। बालक का जो प्रयोग होता है उस प्रयोग में एक व्यवस्था और क्रम आ जाता है, यानी बालक बहुत ही मतलब सूझबूझ से व्यवस्थित क्रम में किसी भी प्रयोग को करने की क्षमताओं का डिमांड निर्माण करना प्रारंभ कर लेता है, यानी कि उसको मैनेज करने की व्यवस्था आ जाती है। अगला है वह अमूर्त अवधारणाओं को समझ सकता है, वह अमूर्त अवधारणाओं को समझ सकता है जिसमें नैतिकता, ईमानदारी, प्रेम, जो अमूर्त अवधारणा होती है उनको समझने की बालक में क्षमता विकसित हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है के अनुसार यह अवस्था, पियाजे के अनुसार यह अवस्था ज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यानी के अनुसार जो ये अवस्था है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था ज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है, यानी कि बालक की जो अवस्था है बताई गई है यहां तक आते आते उसमें ज्ञान डेवलप होना शुरू डेवलप हो जाता है, उसमें समझ विकसित हो जाती है, मानसिकता विकसित हो जाती है, और उसमें अंतिम है यह समस्या समाधान की अवस्था है। जैसा कि प्रारंभ में जाना कि इस अवस्था में वाला प्रॉब्लम सॉल्व यानी समस्या समाधान करना शुरू हो जाता है, समस्या समाधान की अवस्था है। इस तरीके से हमने जीन प्याजे के संज्ञान विकास सिद्धांत की जो अवस्था है उसमें औपचारिक क्रियात्मक अवस्था को जाना, जो कि 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है जिसमें किशोर किशोरी
के ऊपर ये अवस्था लागू रहती है। तो इससे रिगार्डिंग अब आपका आज का असाइनमेंट है, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था को स्पष्ट कीजिए। तो जी प्यारे की जो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है जो आज हमने जाना, इसी के बारे में आपको अपना समय करना है। स्कूल समय हमको साधन सतर्क रखनी है, घर पर रहना, सुरक्षित रहना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है और अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और हमको कोरोना के खिलाफ जंग में इसके नियमों कड़ी से पालन करना ताकि हम इससे बचे हुए रहेंगे। थैंक यू।